गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजकुमार मंडल और मैं आप सभी को क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ। और इस बुक का नाम है डेफोडिल, जो कि एक फ्लावर का नाम है। और इसमें 10 पोएम्स एंड 10 स्टोरीज है। और पहली स्टोरीज है द नए फ्रेंड्स, और हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। मैं इसके पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ और हम लोग दूसरे कंप्रिहेंशन तक पहुँच गए थे। इस वीडियो में हम आगे कहानी देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, हम लोग आगे की कहानी को देखते हैं और जानते हैं। हम लोगों ने देखा था कि केशव और श्यामा ने जब सारी व्यवस्थाएं कर दी थी और केशव नीचे आ गया था और श्यामा जिद कर रही थी देखने के लिए, लेकिन केशव ने उसे देखने के लिए नहीं दिया। और फिर जब माँ आके पूछी उन सबसे कि दरवाज़ा किसने खोला था, तो श्यामा ने नहीं बताया जानबूझ करके। अब आगे की कहानी देखते हैं। माँ स्कॉल्डेड देम एंड टूक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम। माँ दोनों को डांटती है और दोनों को कमरे के अंदर ले जाती है। सी लेस्ट द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली। वह दरवाजे में कुंडी लगा देती है और उनको आराम से पंखा डुलाने लगती है। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून। इसमें दोपहर के केवल 2 बजे थे। एंड द हॉट समर वाइंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। और बाहर में गर्म हवा चल रही थी। सून द 2 चिल्ड्रेन वेयर स्लीपिंग साउंडली। जल्द ही दोनों बच्चे आराम से सो गए। श्यामा वॉक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock। श्यामा वॉक अप विथ ही स्टार्ट एट 4 o'clock। श्यामा जो है 4 बजते बजते उठ गई। द डोर वॉज अनलेस्ड। दरवाज़ा खुला था। सी रेन टू द कार्निस। वह कार्निस की तरफ दौड़ करके गई। एंड लुकड अप और ऊपर देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट। वहाँ टोकरी का कोई भी निशान नहीं था। सी चांस्ड टू लुक डाउन। वह जो है नीचे देखी। रेन बैक टू द रूम एंड शॉटेड। भैया, वह रूम वापस दौड़ करके गई और चिल्लाई। भैया, द एग्स हैव फॉलन डाउन। अंडे गिर गए हैं। द चिक्स हैव फ्लोन अवे। और जो चूजे हैं या पंछी हैं वो उड़ चुके हैं। केशव रेन टू द कार्निस एंड सॉ द 3 eggs ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर। केशव दौड़ते हुए कार्निस के पास आता है और देखता है कि 3 अंडे फर्श पर गिरे हुए हैं। ये स्लीमी वाइट येलो लिक्विड वाज वॉजिंग आउट ऑफ देम। और उसमें से एक पतला सफ़ेद और पीले कलर का तरल पदार्थ या लिक्विड बाहर निकल रहा है। द बॉल ऑफ वाटर वाज ऑल्सो लाइंग अपटर्न। और जो पानी का कटोरा था वो भी उलट कर रखा हुआ है। इसके बाद केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आइज। केशव बिल्कुल पीला पड़ गया और जमीन की तरफ देखने लगा बिल्कुल दर्द भरी आँखों से। वेयर हैव द चिक्स फ्लॉन टू। श्यामा आस्ट। श्यामा ने पूछा कि पंछी कहाँ चले गए। पंछी के जो चूजे हैं वो कहाँ चले गए हैं। द एग्स आर ब्रोकन। केशव सेड सेडली। केशव ने उदास होते हुए कहा कि अंडे टूट गए हैं। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन। तो पंछी कहाँ चले गए। वेयर डू यू थिंक। तुम कहाँ सोचती हो। सी रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन। उसने झुंझलाते हुए कहा, कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट। क्या तुम नहीं देख रही हो कि सफ़ेद रंग का जो तरल पदार्थ है वो बाहर निकल रहा है। इट वुड हैव टर्नड इनटू चिक्स इन ए फ्यू डेज। यह कुछ दिनों में
पंछी बनता, चूजे बनते अर्थात अभी उसमें बच्चे का निर्माण नहीं हुआ था। माँ शॉटेड फ्रॉम बिहाइंड, माँ पीछे से चिल्लाई, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों धूप में बाहर क्या कर रहे हो। माँ माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा, श्यामा ने कहा माँ माँ अंडे टूट गए हैं। यू मस्ट हैव फिडल्ड विथ देम माँ सेंट एग्रीली, माँ ने गुस्साते हुए कहा तुम लोगों ने जरूर छेड़ा होगा उसे। लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स टूटे हुए अंडों को देख करके वो उसने कहा माँ ने कहा कि तुमने जरूर छेड़ा होगा। नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, अब श्यामा जो है अपने भाई पर दया नहीं करना चाहती थी। ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली, उसने अंडे को फिर से अच्छी तरह से नहीं रखा था, अर्थात जब उसने कपड़े को कपड़े के ऊपर में अंडा जब रख रहा था तो अच्छी तरह से नहीं रखा था, ऐसा श्यामा को लगता है। एनअप सो दे हैड रोल्ड ऑफ, इसलिए वो लुढ़क के गिर गए होंगे। ही आउट टू बी फनिश्ड, इसलिए उसे सजा मिलना चाहिए। ही टस्ट द एग्स माँ सेड श्यामा, श्यामा ने कहा ही टस्ट द एग्स कि उसने अंडा छुआ था माँ। वाई माँ आस्ट, माँ ने पूछा क्यों। केशव स्टूड टंग टाइड, केशव बिल्कुल चुप रहा। हाउ डिड यू रीच देयर माँ आस्ट अगेन, माँ ने फिर से पूछा, आस्ट अगेन अर्थात फिर से पूछा कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे। ही केप्ट ए स्टूल ऑन द बथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ब अप, कि उसने बथिंग स्टूल के ऊपर एक स्टूल रखा और वहाँ तक चढ़ गया। श्यामा सेड वेरेंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज, केशव ने आरोप लगाया क्या तुमने स्टूल को नहीं पकड़ा था। यू टोल्ड मी, रिप्लाइड श्यामा, श्यामा ने जवाब दिया कि आपने ही पकड़ने के लिए कहा था। यू आर ग्रोन अप बॉय केशव सेड माँ, माँ ने कहा कि केशव तुम एक बड़े लड़के हो। डोंट यू नो दैट When you touch birds eggs, क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम पंछी के अंडे को छूते हो they become tainted, वे दागी हो जाते हैं अर्थात उस पर दाग लग जाता है। And then the birds don't hatch anymore, उसके बाद जो है पंछी उसे नहीं सेते, hatch मतलब सेना, पंछी जो है अंडे को सेते हैं जिससे उसमें चूजे का निर्माण होता है। शो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स, इसलिए पंछियों ने अंडे को खुद से गिरा दिया। श्यामा आस्क्ड हर मदर फेयरफुली, श्यामा ने डरते हुए अपनी माँ से पूछा। व्हाट एल्स वुड द बर्ड्स डू, अब पंछी क्या करेंगे। माँ सेड, माँ ने कहा केशव यू हैव डन ए टेरिबल थिंग, कि तुमने एक भयानक कार्य किया है अर्थात तुमने बहुत बुरा काम किया है। ओ माई गॉड, हे भगवान, यू हैव टेकन थ्री लाइव्स, तुमने तीन जीवन ले लिए अर्थात तुमने तीन जीवों की हत्या कर दी। केशव लुक्ड पेन, केशव को अफसोस होता है। आई वनली कसन द एग्स ही शेड पटली, उसने कहा कि मैंने तो केवल अंडे को तकिए में रखा था अर्थात कपड़े से जो तकिया बनाया था, गद्दा बनाया था, उस पर रखा था। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, माँ मुस्कुराई और जवाब दी बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट, फिर हमारे पास आ गया कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। अब कहानी ये समाप्त हो चुकी है और कॉम्प्रिहेंशन चेक में हम लोग देखेंगे पहला जो प्रश्न है व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी, कि केशव पीला क्यों पड़ गया और उदास क्यों हो गया। व्हाई डिड, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड, श्यामा ऐसा क्यों महसूस
क्या श्यामा ने ऐसा क्यों महसूस किया कि केशव को सजा मिलना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड सिक्स, कि पंछी के अंडे के बारे में माँ ने क्या बताया कि यदि हम किसी अंडे को छूते हैं तो उसमें दाग लग जाता है जिसके कारण वे दागे हो जाते हैं और पंछी उसको फिर नहीं सहते हैं। तो पूरी कहानी को आप लोगों ने वीडियो में देखा, एक बार में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फिर से देख लीजिएगा, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। मैंने कोशिश की है कि कम से कम त्रुटियां हो, फिर भी अगर त्रुटि है तो उसके लिए सॉरी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। लेखक तो हम लोग जान रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। इज बेटर नोन एज मुंशी प्रेमचंद, है ना, प्रेमचंद नाम था उनका, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था उनको। द टाइटल मुंशी वाज गिवेन हिम एज ऑनर, मुंशी जो नाम था उनको सम्मान के रूप में दिया गया था। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदी नॉवेल राइटर ऑफ द अर्ली 20th century, कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उनको एक हिंदी उपन्यास का महान लेखक माना जाता है। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे नेव का हम लोग अर्थ जान चुके हैं। नेव का अर्थ है भोला, या तो नेव का अर्थ है भोला या तो नादान। कार्निस लोग जानते हैं, खिड़की का ऊपरी हिस्सा जिसे सजाया जाता है। स्कॉलर मीन्स विद्वान, हैज्ड मीन्स जब कोई पंछी अपने अंडे को जो सेता है उससे जिससे बच्चे निकलते हैं उस प्रक्रिया को हैचिंग कहा जाता है। ब्रूड, पंछी के बच्चे को ब्रूड कहा जाता है। सिबलिंग मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे कि पेरेंट्स मीन्स माता पिता होता है, उसी तरह सिबलिंग मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर होता है। इरेक्टेड का अर्थ है सेट अपराइट और पुट टुगेदर, अर्थात एक साथ रखना। मैक्शिफ्ट रूफ, अर्थात ए टेम्प्रोरी रूफ, कि बनाया हुआ छत कुछ देर के लिए। अंत है वर्ड है फिर जिंजरली मीन्स शोविंग ग्रेट केयर, अर्थात बहुत किसी चीज का बहुत ख्याल रखना, बहुत ध्यान देना। ओबली मीन्स अनस्टेडी, मतलब अस्थिर, हिलना डुलना। वियर्ड मीन्स शिफ्टेड, अर्थात कहीं किसी स्थान पर शिफ्ट हो जाना। फिडल्ड मीन्स मूव्ड या तो अल्टर्ड, मतलब अलग होना या हिलाना डुलाना, छूना। अस्टफ मीन्स टू कम्प्लीटली फिल ए कंटेनर, किसी भी बर्तन को पूरी तरह से भर देना। अस्क्विल मीन्स चिल्लाना या शिकायत करना। कंजेक्चर मीन्स गेस करना, अर्थात अनुमान करना, अंदाजा लगाना। टंग टाइड, मतलब अपने मुंह को चुप रखना, बोलने में सक्षम नहीं हो पाना। धन्यवाद स्टूडेंट्स यहाँ तक देखने के लिए। और ये तो पहली कहानी थी, फर्स्ट चैप्टर का स्टोरी आज कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके सभी कहानियों और कविताओं को, अर्थात स्टोरी और पोएम का वीडियो मैं बना के आप सभी को दूंगा, ताकि आप सभी को पढ़ने में सुविधा हो। अगर आप किसी कहानी का हिंदी जान जाते हैं तो आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा होती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।